बंगाल वॉरियर्स वर्सेस यूमुम्बा, यूमुम्बा अगर जीते तो नंबर छह पर जाएंगे, वॉरियर्स जीते तो उम्मीदों का दिया रोशन करते रहेंगे, सातवें पायदान पर पहुंच जाएंगे। मनिंदर पहली रेट पर, मनिंदर का हुआ शिकार क्योंकि रिंकू ने किया उन पर वार, राइट कॉर्नर पर बहुत बढ़िया तरीके से दोनों पैरों पर गए रिंकू, हर तरह से एक परफेक्ट राइट कॉर्नर टैकल कहेंगे इसको, दोनों पैरों पे गए, अपना 47वां टैकल पॉइंट इस सीजन लिया है रिंकू ने। और पूरे सीजन की वही कहानी है कि जब मनिंदर चलते हैं तो डिफेंस नहीं चलता बंगाल का, जब बंगाल का डिफेंस चल रहा होता है तो मनिंदर नहीं चलते। बिल्कुल, रफ्तार पकड़ने के लिए गाड़ी के चारों पहियों को एक साथ चलना होगा। और पॉइंट्स बंगाल वॉरियर्स, जैसे नंबर प्लीज, ये सुपर रेट दे दी गई है मनोज गौड़ा की, ये सुपर एट देखें, फजल को टच किया सबसे पहले, एंकल नहीं पकड़ पाए फजल और पूरा मुंबई का डिफेंस असिस्ट करने आ गया, लेकिन रेडर लॉबी से बाहर नहीं गया, पैर मिडलाइन के पार, सुपर रेड। अगर दो और पॉइंट्स ले लेते हैं मनिंदर तो नंबर दो पर चले जाएंगे, दीपक निवास हुडा और राहुल चौधरी को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन ये अगर मगर की कहानी है क्योंकि यहाँ फजल अंतरा चली ने बढ़िया टैकल किया। हमने हमेशा देखा है फजल अत्राचली को इस तरह के टैकल करते हुए, इस सीजन थोड़ा कम देखा, लेकिन ये जरूरी टैकल हाफ टाइम से जस्ट पहले, मनिंदर सिंह बाहर, दोनों टीमें एक दूसरे को पूरी तरह से टक्कर दे रही हैं। असफल टैकल की टैली देखें, 9 असफल टैकल यू मुंबा के, 5 बंगाल वॉरियर्स के। वॉरियर्स ने यहां पर बढ़त ली है और यहां पर टाइम लिया, लेकिन उंगलियां क्या मिड लाइन को क्रॉस कर पाई, नहीं कर पाई, ऐसा लगा जैसे जिंदगी की आस में आखिरी कोशिश टूट गई हो, लाइन तक हाथ आया लेकिन क्रॉस नहीं हुआ पाया। यू मुंबा सीजन 8 में नंबर 6 पर पहुंचने वाले हैं ऐसा लगता है, 53 पॉइंट्स हो जाएंगे उनके, और इसके बाद तीसरे मुकाबले में अगर पुनेरी फल्टन जीता भी तब भी वो छठे नंबर पर नहीं पहुंच पाएगा। नबी बख्श ने यहां पर, चलिए मनिंदर को अब रिवाइव किया, तपस्या की है मनिंदर ने आज बेंच पर बैठकर, बोनस यहां उन्हें मिलेगा नहीं, समय क्यों ले रहे हैं ये संभवतः उन्हीं को पता होगा। फजल ने एक और टैकल पॉइंट, इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन फजल अत्राचली का, हर तरह से अपने आप को आज के मुकाबले में झोंक दिया है यू मुंबा के हर खिलाड़ी ने, खास करके सुल्तान फजल अत्राचली ने, डबल थाई होल्ड एट इट्स बेस्ट। और इसके साथ ही यू मुंबा प्लेऑफ की दौड़ में मजबूती के साथ पहुंच गया है नंबर 6 पर।